हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक मराठी मूवी ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है गड़त अंधार। और इसके अंदर हमें दिखने वाले जय नेहा, और ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है गाइस। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले ट्रेलर देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा। चलो। ओके, चारों दोस्त लग रहे हैं। ओके, अंडर वाटर सुपर नेचुरल थ्रिलर, कुछ तो मिलने वाला है खतरनाक नीचे। चिन्मय गुड़े, अरे ये हिल रही थी। चिन्मय, चिन्मय, मला कोणी तरी स्वतःकडे खेचत आहे असं वाटत होतं। ओके, खात्री की ते नक्कीच काहीतरी गडबड। नंतर ते दागिने काळे पडले, मांजर मेली, हा सगळा योगायोग नाहीये। खूप मोठी चूक केली ती, ती पेटी घरात आणली। ओके, बॉक्स की वजह से। कोणाचा जीव जाण्याच्या अगोदर आपल्याला हे सर्व थांबावं। हो हो, बीजीएम बहुत सही है यार। सॉलिड गड़ा दंधार 3 फेब को रिलीज हो रही है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। मतलब सुपर नेचुरल तो पता चल रहा है, आई थिंक वो मेरे ख्याल से जो बॉक्स लेके आते हैं कहीं ना कहीं उसके उस ऑब्वियसली उससे रिलेटेड है सब कुछ। तो हो सकता है कि भाई उसके अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो कि शेप शिफ्टिंग ऑब्वियसली कर सकता हो, क्योंकि हमने देखा कि जो एक बार मेरे ख्याल से जय का डबल रोल वहाँ ज़मीन पर पड़ा होता है, एक बार वो लड़की का बेड के नीचे होता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये कोई गोस्ट वाली होगी, मतलब जैसे दिखा हो सकता है ना कि भाई पोजेस कर लिया हो गोस्ट ने, मुझे वो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि भाई शेप शिफ्टर के ऊपर हो सकती है कि कोई तो है जो अपना ऑब्वियसली शेप शिफ्ट कर सकता है, और जो सामने जो भी बंदा हो जिसको देखता है वो कहीं ना कहीं उसका रूप धारण कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैसा ही कोई जीव है जो इन्होंने गलती से ऑब्वियसली बॉक्स लेके ऊपर आ गए हैं। और अब ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि भाई वो बॉक्स पानी के अंदर डाला किसने, ऑब्वियसली किसी ने उसको कैद करके रखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसे लड़की ने बताया कि उसकी उसको खींच रहा था अपनी तरफ और वो उस बॉक्स को लेके ऊपर आ गए। तो काफ़ी मतलब स्टोरी जैसे सब प्लॉट इन्होंने बनाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब देखना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से ये लोग हॉरर का ट्विस्ट देते हैं। और ये सुपर नेचुरल ऑब्वियसली हमने ज़्यादा मूवी देखी नहीं है कि मराठी मूवी के अंदर ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये एक यूनिक चीज़ होगी कि भाई उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक सुपर नेचुरल बनाने की कोशिश की है। तो ये तो पहले ही अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जो BGM है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं वो मूवी के जो वाइब है ना, जो सुपर नेचुरल वाली, उसको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वो जो BGM है बहुत सॉलिड लग रहा है। और एक्टिंग वाइज मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली काफ़ी नए लोग हैं। जय मेरे ख्याल से पहली मूवी है उसकी, क्योंकि उसको तो हमने ऑब्वियसली मराठी बिग बॉस में देखा और उससे पहले रोडीज़ में आया था। तो अब ये हो सकता है उसकी पहली मूवी हो, नहीं है तो ऑब्वियसली आप मुझे बता सकते हो गाइस कि इसके पहले उसने कोई मूवी की है कि नहीं। तो कास्ट मेरे ख्याल से काफ़ी नई है, तो उनके लिए एक्टिंग को पुल ऑफ करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मूवी देखेंगे कि भाई वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हॉरर के अंदर हमें जो मेन एलिमेंट होता है ना, वो भाई सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है कि भाई आप कितनी बार सरप्राइज होते हो, कितनी बार आपको वो हॉरर वाइब देखने मिलती है। और कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल है तो एक और ज़्यादा ट्विस्ट हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर, जो कि काफ़ी यूनिक भी है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल, जिस हिसाब से इन्होंने सुपर नेचुरल जो एलिमेंट को यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखना पड़ेगा कि मूवी के अंदर ये कैसे निकल के आता है, लेकिन अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।